हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ भारतीय वास्तुकला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये फाइन आर्ट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो TGT, PGT, UGC, NET, GRF, KVS, NVS, DSSSB, जितने भी फाइन आर्ट के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और उस क्वेश्चन के साइड में यहाँ पर मैंशन है जिस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल भी है क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के ही सपोर्ट से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी फाइन आर्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक होंगे, और UGC नेट GRF की तैयारी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने वीडियो में पूरी कोशिश की है, वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे चैनल पे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि फ्रेंड्स इससे मेरी जितनी भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को UGC नेट से संबंधित या फिर फाइन आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की PDF चाहिए या फिर क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर PDF है वो आप ले सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित स्मारकों के सही कालक्रम की पहचान करें। ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा, ताजमहल, गोल गुंबज, हुमायूं का मकबरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके टाइम पीरियड दिए हुए हैं, तो सबसे पहले अलाई दरवाज़ा है 1311, फिर है ताजमहल 1632 और यहाँ पे दिया हुआ है 1631। तो फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, 31 और 32 आप लगा सकते हैं। फिर है गोल गुंबज, तो फ्रेंड्स गोल गुंबज का है 1656 और यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 1956 यहाँ पे दिया है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए। फिर है हुमायूं का मकबरा 1562 और हर कई जगह आपको मिलेगा 1540, तो इसको हम कालक्रम से लगा लेते हैं। सबसे पहले है अलाई दरवाज़ा 1311, फिर है हुमायूं का मकबरा 1562, उसके बाद आपका आ जाएगा ताजमहल 1632, देन लास्ट आ जाएगा गोल गुंबद 1656। यानी सबसे पहले होगा फर्स्ट अलाई दरवाज़ा, उसके बाद आपका आ जाएगा हुमायूं का मकबरा, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका आएगा ताजमहल, देन लास्ट आ जाएगा गोल गुंबद, यानी कि फोर्थ इज़ द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है यूनानी रोमन कला, भारतीय फारसी कला, भारतीय यूनानी कला, मध्य एशियाई कला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय यूनानी कला, क्योंकि फ्रेंड्स गांधार कला को इंडो ग्रीक आर्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी, तो इंडो ग्रीक कला भी हम गांधार कला को कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है, सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों का समय 1 सदी ईस्वी से 4 सदी ईस्वी के मध्य का है। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि हर बार इंडो ग्रीक आर्ट या भारतीय यूनानी कला से आए, ग्रीको बुद्धिस्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर है इनके प्रमुख केंद्र जलालाबाद, वामिमान और पेशावर थे। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियाँ बनाई गईं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया है UGC नेट एग्ज़ाम में आया है, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 6/12/2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है। ऑप्शन है वर्गाकार,
षटकोणीय अष्टभुजाकार आयताकार, तो इसका राइट आंसर है सी अष्टभुजाकार। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। यह मकबरा सम्राट शेरशाह सूरी की याद में उनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान 1540 से 1554 के बीच में बनवाया गया था। और फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य के निम्नांकित में से किन घटकों को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जगमोहन, आमलक, खापुरी, अनुश्रिंग। तो इसका राइट आंसर है ए पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो अनुश्रिंग है ये उड़ीसा के मंदिर से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा जगमोहन, आमलक, खापुरी। और फ्रेंड्स, अगर ये अनुश्रिंग की जगह कलश होता, कलश, तो इसका राइट आंसर क्या होता? कलश भी, यानी कि चारों ये राइट होते। तो जगमोहन, आमलक, खापुरी, ये इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, इसी उड़ीसा मंदिर के ही एक स्थापत्य की जो कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है वो है मुख्य रूप से जगमोहन, आमलक और खापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब परिसर के प्रांगण में अवस्थित इंडो इस्लामिक स्मारक है। ऑप्शन है सुल्तानगढ़ी, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो इसका राइट आंसर है बी दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ये है कुतुब मीनार के प्रांगण में। और फ्रेंड्स, इनके हम टाइम पीरियड की बात कर ले तो अलाई दरवाजा है 1311, अलाई मीनार है 1316, फिर है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो फ्रेंड्स, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का है 1193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ के चार शेरों की अभिव्यक्ति का निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है नेशनल लोगो, नेशनल सिंबल, नेशनल एम्बलम, नेशनल साइन। तो इसका राइट आंसर है सी नेशनल एम्बलम। तो हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका। सारनाथ स्तंभ के चार शेरों की अभिव्यक्ति को नेशनल एम्बलम की संज्ञा दी जाती है। और सारनाथ स्तंभ उत्तर प्रदेश के राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है और महान सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया गया था। और स्तंभ के जो ये संग्रहालय है ये सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। और यह स्तंभ में जो चार शेर एक दूसरे में पीठ सटाए हुए दर्शाए गए हैं। और इस स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है तथा स्तंभ के निचले भाग पर स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा गया है। और फ्रेंड्स, ये आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि जो ये सम्राट अशोक का जो ये नेशनल एम्बलम है, यानी कि चार शेरों वाला जो ये स्तंभ है, इसमें जो बीच में चक्र दर्शाया गया है उसमें कितने अरे हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें जो हैं 32 अरे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये UGC नेट में पूछा गया था 2019 में। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आप उनको अच्छे से देखते चलें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, गौर, दिल्ली, आगरा। इसका राइट आंसर है बी गौर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था NVS में। दखिल दरवाज़ा गौर राजस्थान में स्थित है। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अतरकिन का दरवाज़ा का निर्माण नौगौर जोधपुर राजस्थान में कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर नेक्स्ट है, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा दिल्ली में बनवाया था। फिर है 134 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, नहरे बहिश्त इमारत का निर्माण शाहजहां ने करवाया। फिर है 1370 ईस्वी में काली मस्जिद का निर्माण जूना शाह खाने जहां ने करवाया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली में हजार सितून, जिसे हम कहते हैं हजार स्तंभों वाला महल,
इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया? ऑप्शन है सातवाहन, चोल, मुगल, मौर्य। तो इसका राइट आंसर है मुगल। हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल मुगल साम्राज्य या मुगल शासकों ने किया था। चतुष्पक्षीय बाग शैली का प्रारंभ मुगल शासक बाबर ने किया था और आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग जिसे हम कहते हैं नूर अफगान, आगरा का आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य काबुली बाग मस्जिद पानीपत में स्थित है और श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण मुगल शासक जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट है, लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था और यहाँ पे क्या है, श्रीनगर में कहाँ करवाया, किसने, जहांगीर ने करवाया था। तो श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया है और लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। और फ्रेंड्स आगरा में नगीना मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने ही करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, शिक्स जिलादी, मिरक मिर्जा गयास, अमजद खान। तो इसका राइट आंसर है ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और ताजमहल का निर्माण काल 1632 से 1653 के मध्य में माना जाता है। और फ्रेंड्स इमारत जो ये ताजमहल की है ये वर्गाकार है, क्योंकि अभी आपसे शेर शाह सूरी मक्के मकबरे का पूछा गया है जो अष्टभुजाकार का है, तो ताजमहल का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताजमहल की जो इमारत है उसकी जो योजना है वो क्या है, तो वो है वर्गाकार। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को माना जाता है। शाहजहां की सर्वोत्तम स्थापत्य कृति ताजमहल मानी जाती है और शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले की नींव 1639 में रखी थी। और फ्रेंड्स मयूर सिंहासन जिसे कहते हैं तख्त ए ताउस दीवाने आम दिल्ली के लाल किले में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर का अधिक प्रभाव है? ऑप्शन है मिस्र की कला, अकी मिनट कला, मौर्य कला, यूनानी कला। इसका राइट आंसर है डी, यूनानी कला इज द राइट आंसर। ये केवीएस के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित है? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, होयसल, पल्लव, चोल। तो इसका राइट आंसर है पल्लव और ये पूछा गया है केवीएस में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबज वर्तमान में राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है जो गोल गुंबद है ये कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, विहार गुफाओं का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ड्राइंग रूम के साथ मठ, प्रार्थना हॉल के साथ मठ, बुद्धिज्म की कहानी, निवास हॉल के साथ मठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवास हॉल के साथ मठ, क्योंकि फ्रेंड्स विहार कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान और चैत्य कहते हैं पूजा गृह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन से शैलियों को जाना जाता है? ऑप्शन है इंडो इस्लामिक, इंडो पश्चिमी, इंडो इंडो ग्रीको। तो इसका राइट आंसर है ए, इंडो इस्लामिक इज द राइट आंसर। ए डी एस एस बी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? ऑप्शन है प्रांतीय शैली, ग्रीको शैली, मुगल शैली, शाही शैली। तो इसका राइट आंसर है बी, ग्रीको शैली। नेक्स्ट है,
महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? ऑप्शन है शिव, नंदी, पार्वती, विष्णु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शिव, जो कहाँ पे स्थित है? पूर्वी और पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही अवरोही क्रम में पूछ रहा है, यानी कि घटते क्रम में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले है कलश, उरी शिखारा, देन लास्ट आ जाएगा अधिस्थना। ये है अवरोही क्रम में। अगर क्वेश्चन पूछता है आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले है अधिस्थना, उसके बाद आ जाएगा उरी शिखारा, देन लास्ट आ जाएगा कलश। ये DSSB में पूछा गया था, DSSSB में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, गोल गुंबद बीजापुर के निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? तो बीजापुर में जो ये गोल गुंबद है उसमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गहरा भूरा बेसाल्ट पत्थर का। नेक्स्ट है, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? ऑप्शन है दास्ताने मुमताज, गीता, कुरान, तुजुक ए शाहजहां। इसका राइट आंसर है सी कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें तीन कोषागार जोड़े? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अकबर, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर गुजरात, कोणार्क मंदिर। तो इसका राइट आंसर है कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है कलश, बेशार, जगती, विमान। तो इसका राइट आंसर है बी वेशार। और भारतीय मंदिर का हिस्सा कलश है, जगती है और विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? ऑप्शन है जगन्नाथ, खजुराहो, सूर्य मंदिर गुजरात, विष्णु मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जगन्नाथ मंदिर, यानी पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये एग्जाम में पूछा गया था DSSB में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भघर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मंडप, शिखर, गर्भगृह, अमालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गर्भगृह। ये DSSB में आया हुआ था ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है, याजी क्या है? ऑप्शन है गर्भगृह, द्वारपाल, मंदिर विमान, आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर। तो इसका राइट आंसर होगा डी आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर को क्या कहते हैं? याजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ए सिद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है विमल शाह, राज राज चोल, पल्लव, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विमल शाह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मट्टनचेरी महल स्थित है? ऑप्शन है तंजौर, तिरुवंतपुरम, मेरठ, कोचिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोचिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, रघुराजपुर। तो इसका राइट आंसर है पुरी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जगन्नाथ मंदिर जो है ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर कहे जाते हैं, क्योंकि ये स्थित है पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है श्री कुर्माम, अमरावती, सांची, विशाखापट्टनम।
तो इसका राइट आंसर है बी अमरावती इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी DSSSB में पूछा गया था 2018 में। फिर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चित्तौड़ में, माउंट आबू में, महाकोटेश्वर मंदिर में, फिर मोढ़ेरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर में से कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है। ऑप्शन है देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। तो इसका राइट आंसर है बी कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है ये शिव भगवान यानी कि शैव धर्म को समर्पित है। देवी जगदम्बा मंदिर ये शाक्त धर्म को समर्पित है यानी देवियों के लिए है। फिर है लक्ष्मण मंदिर, अब जो ये लक्ष्मण मंदिर हैं ये वैष्णव धर्म को समर्पित हैं। और ये चित्रगुप्त मंदिर ये मुख्य रूप से संबंधित है सूर्य देवता से, चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था। ऑप्शन है विजयनगर का, चील का, यहाँ पे फ्रेंड्स चील नहीं होगा ये होगा चोल, चोल का, पल्लव का, डी ऑप्शन है होयसल का। इसका राइट आंसर है विजयनगर का यानी ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगई कोंडा चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है राजा राज द्वितीय ने, कुलोतुंग चोल ने, राज राज प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने। तो इसका राइट आंसर है डी राजेंद्र चोल ने, डी इज द राइट आंसर। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस काल के रूप में दृष्टव्य होती है। ऑप्शन है गुप्त काल में, मथुरा काल में, शुंग काल में, मौर्य काल में। तो इसका राइट आंसर है बी मथुरा काल में, क्योंकि फ्रेंड्स बुद्ध से संबंधित मूर्तियां सबसे पहले प्रारंभ हुई है मिलना मथुरा कला यानी कि कुषाण काल से। उसके पहले जितनी भी बुद्ध से संबंधित गाथाएं थी यानी कि जो बुद्ध से संबंधित कथाएं थी वो सब प्रतीक के रूप में अंकन हुआ था, लेकिन मूर्ति के रूप में गढ़ना कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कुषाण काल यानी मथुरा और गांधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही की पहचान करें। आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। बौद्धों के लिए, ईसाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी जैनियों के लिए। नेक्स्ट है उस विकल्प की पहचान करें जो भारतीय मंदिरों का सही कलानुक्रमित क्रम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है सी। फ्रेंड्स सबसे पहले है परशुरामेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, देन लास्ट में आ जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित करने की कला अपने चरम तक पहुंच गई थी। ऑप्शन है पल्लव के, राष्ट्रकूट के, चोल के, चालुक्य के। तो इसका राइट आंसर है ए पल्लव के, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभार होना और कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है। ऑप्शन है बाघ भित्ति चित्र से, एलोरा भित्ति चित्र से, लिपाक्षी भित्ति चित्र से, अजंता भित्ति चित्र से। तो इसका राइट आंसर है बी एलोरा भित्ति चित्र से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभार होना, कोणीयता किसमें दर्शाई गई है, तो एलोरा के भित्ति चित्रों में। नेक्स्ट है तांगका का क्या अर्थ है। ऑप्शन है भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग, मोहरे, सिक्के, मंदिर की पताकाएं यानी बैनर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मंदिर की बैनर्स, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन
टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? ऑप्शन है 9, 2, 1, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 1। नेक्स्ट है, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? ऑप्शन है 1 शताब्दी ईसा पूर्व, 5 शताब्दी ईसा पश्चात, 1 शताब्दी ईसा पश्चात, 2 शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, 2 शताब्दी ईसा पूर्व। डी इज द राइट आंसर। ये भी DSSSB में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है जहांगीर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मंदिर कला विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? ऑप्शन है गुप्त, पल्लव, चोल, विजयनगर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा D, विजयनगर। विजयनगर लास्ट साम्राज्य है जहाँ पे मंदिर कला का विकास अंतिम चरण तक पहुँच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की यानी गोमतेश्वर बाहुबली की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई थी? दिए गए विकल्पों में से चयन करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, श्रावण बेल गोला से। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, राजा सिम्हा, पुलकेशिन द्वितीय, राजा राजा चोल प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा D, राजा राजा चोल प्रथम। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको मिलेगा राज राजा चोल प्रथम, तो बिल्कुल सही है, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं क्योंकि इनका नाम ही है राज राजा चोल प्रथम और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है राजा राजा चोल प्रथम। नेक्स्ट है, मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से चुने। ऑप्शन है एलोरा गुफाओं में, बाघ गुफाओं में, शीतलवासन गुफाओं में, अजंता गुफाओं में। उसका राइट आंसर है A, एलोरा की गुफाओं में। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कुल गुफाएं हैं 34, जिसमें से 1 से 12 तक की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 13 से 29 हिंदू धर्म को समर्पित है और 30 से 34 जैन धर्म को समर्पित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीले जिसे कहते हैं बरियल हीप को किसकी के अभिकल्प यानी डिज़ाइन के रूप में विकसित किया गया है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है प्रधान गिरजाघर, कैथेड्रल, स्तूप, पिरामिड, चैत्य। तो इसका राइट आंसर है B, स्तूप। नेक्स्ट है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा C, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप के भागों का शीर्ष से सही क्रम ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा A, सबसे पहले है छत्रावली, हर्मिका, अंड, देन लास्ट आ जाएगा वेदिका। फर्स्ट इज द A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और इसे पूरा करवाया है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, कोची में मट्टनचेरी महल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लघु चित्र, टेराकोटा, भित्ति चित्र, लपेटवा चित्रकारी यानी स्कॉल पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है C, भित्ति चित्रण। मट्टनचेरी जो पैलेस है ये मुख्य रूप से जाना जाता है भित्ति चित्रण के लिए। नेक्स्ट है, चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियां अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मदुरई, कन्याकुमारी, महाबलीपुरम, तंजावुर। तो इसका राइट आंसर है C, महाबलीपुरम। पल्लव वंश के अंतर्गत महाबलीपुरम में स्थित है अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण।
नेक्स्ट है, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन है मथुरा, अमरावती, होयसल, शुंग। इसका राइट आंसर है ए, मथुरा। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित करवाए गए थे? दिए गए विकल्पों में से चुने। ऑप्शन है त्रिकुट, पंचायन, अष्टकुट, दविकुट। तो इसका राइट आंसर है ए, त्रिकुट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, बंगाल। इसका राइट आंसर है बी, उड़ीसा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था उड़ीसा के मंदिरों का कालक्रम, जिनमें सबसे पहले परशुरामेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, उसके बाद आपका आ जाएगा लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, देन लास्ट आ जाएगा कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न कहाँ मिलता है? ऑप्शन है भरहुत वेदिका, सांची वेदिका, जैतवन पार्क, सारनाथ स्तंभ। इसका राइट आंसर है ए, भरहुत वेदिका। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मदुरई, चिदंबरम, कन्याकुमारी, कुंभकोणम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिदंबरम। चिदंबरम में मुख्य रूप से नटराज मंदिर प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नटराज की मूर्ति है वो किस मुद्रा में है, तो वो अतिभंग मुद्रा में है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो नटराज की प्रतिमा है वो किस मुद्रा में दर्शाई गई है, तो वो मुद्रा अतिभंग मुद्रा में दर्शाई गई है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं जितना भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को लगे कि हाँ इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से डिस्कस किया है, सारे क्लियर क्वेश्चन एकदम डिस्कस किया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जिन लोगों ने इस वीडियो को पहली बार देखा है वो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, और ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियो ऐसी हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित हैं, तो वो मेरे चैनल में मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाके भी उसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।